एक राजा थे। अवसान मैया की कहानी दूसरी चालू हो रही है। जय अवसान मैया की, जय अवसान मैया की। अवसान मैया जब सोहगली बैठती हैं, गांव में शादी ब्याह पड़ता है, तो अवसान मैया क्या कहते हैं, अवसान मैया के शादी ब्याह में सोहगली हमारे यहाँ बिठाते हैं, लड़का होता है तब सोहगली बिठाते हैं, कोई मन्नत मांगते हैं पूरी हो जाती है तब बिठाते हैं, उसके बाद में बिठा के 14 तेहरी करते हैं तो तोहरी करते हैं तो 14 और तेहरी करते हैं तो 14 14 14 14 दूना और 7 7 7 21 औरतें बिठाते हैं तेहरी करते हैं तो, और गुड़ मिठाई और चना लाई सब मंगवा के प्रसादी बनाते हैं, गौर गणेश सब कुछ ठीक करते हैं फूल पत्ती, फिर जो है क्या कहते हैं, यह अवसान मैया की कथा होती है। एक राजा थे, उनकी 7 बेटियां थी तो जो है क्या कहते हैं, 7 बेटी थी तो 7ों बेटी क्या कहते हैं, बहुत गरीब थी, माँ थी, राजा मर गए तो रानी कुछ कर नहीं पाती थी, घोड़े हाथी सब मर गए, उनके जो ना है बिल्कुल ठहन बिहन हो गया, पूरा नौकर उकर सब भाग गए, कुछ नौकर मर भी गए, और फिर भैया वो जो है टोकरा ले लेके उपला बटोरने लग गई, जहाँ पर गाय भैंस उपला वो गोबर करती वही सूख जाता तो वही उपला उठा उठा के लेके आती, बटोर बटोर के 7ों बहनें और उनकी माँ घर पर रहती, उनको आँख से दिखता नहीं था, रानी को आँख से दिखता नहीं था तो उनको कोई देता भी नहीं था, 7 बहनें थी कितना कोई देता, गरीब आदमी पहले के ज़माने में बहुत झूरा काला पड़ता था, किसी के पास रहता नहीं था, राजा महाराजा अपनी कोठरी खाली कर देते थे लोगों के लिए, खुद भूखे रहते थे लेकिन कोठरी अपनी घर खाली करके अपनी जनता की सेवा करते थे, अपने क्या कहते हैं लोगों की सेवा करते, अपने जितनी जनता उनकी जो थी ना उनके सब कुछ उनका, खुद भूखा रह के राजा पहले अपने जो है प्रजा की सेवा करता था, और उसके बाद में क्या करी, वही उपला बटोरती और उसी को ले जाके 1 आने 2 आने के बेचती 7ों बहनें, और उसके बाद में जो है ऐसे कर उपला बटोरते बटोरते बहुत दूर पहुंच गई 7ों बहनें, तो एक दूसरे राज में पहुंच गई तो वहाँ पर अवसान माता की, अवसान मैया की कथा हो रही थी, अवसान मैया की कथा हो रही थी, दुरदुरिया चबवाई जा रही थी वहाँ पर, तो जो है 7ों बहनें पहुँच गई, वहीं पर बैठ गई, भूखी प्यासी थी तो सबने बिठा लिया कि बैठो कहाँ से आई हो, तो 7ों बहनें बैठ गई भाई, तो जब सब पूरी हो गई दुरदुरिया सब जो है हो गई, अवसान मैया की जो है जो सोहगली बैठती हैं सारी सोहगली बैठ गई, चबाई चुबुई सब कहानी कथा हुआ, तो दो 7ों बहनें से बैठ के बगल में सुन रही थी, उसके बाद में उनको प्रसादी मिला, प्रसादी ले प्रसादी ली, चबाई पानी पी, उसके बाद में पूछी कि हे जो है दादी, हे अम्मा मुझे, हे आंटी मुझे भी बताओ ये कैसे होता है व्रत, ये व्रत कैसे होता है आप मुझे भी बताओ, ये मैं भी करूँगी, उपला बेच बेच के मैं पैसे इकट्ठा कर करके मैं भी ये व्रत करूँगी। तो फिर मैं भी करूँगी भैया, वहाँ से आई 7ों जनी उपला भर के लेके, उसके बाद में वो चबा चुबू की बड़ी रात हो गई, तो उनकी रानी जो थी तो वही इंतज़ार कर रही थी कि मेरी बेटी अब आए तब आए, तो अब कैसे आए जो वहाँ फंस गई दूसरे राज में चली गई, और वहाँ पे हो रही थी अवसान माई की कथा, तो भैया क्या करती, फिर वो प्रसाद और साथ लेके आई तो अपनी मम्मी को भी दिया, वो 7ों बेटियां अपनी मम्मी को दिया और खुद भी खाया, उसके बाद में जो है प्रसाद खा के भैया वो तो उपला लगी बेचने, रोज़ उपला बटोरती रोज बेचती उनका, भैया ऐसे धीरे धीरे करके ढेर सारा महंगा बिकने लग गया, खूब पैसे आने लग गए उपला में, 7ों बहनें उपला बटोरती बेचती, और वही उपला पहले भी बेचती उनको कुछ भी नहीं मिलता, उस उपले से वही उतना मिलता कि उनका पेट भी नहीं भरता, सब भूखी रहती, ऐसे थोड़ा बहुत खा लिया तो पूरे दिन भूखी रहती वो 7ों बहनें, फिर उसके बाद में बहन वो उपला बेचना शुरू कर दिया बाजार मार्केट में ले जाके, बाजार कहते हैं पहले के लोग, बाजार में ले जाके खूब सारा पैसा इकट्ठा हो गया, मतलब अवसान मैया का वो चबवाने के लिए, कथा करने के लिए दुरदुरिया चबवाने के लिए पैसा इकट्ठा हो गया, गई जो है 2.25 किलो
2 किलो चना ले आई, मिठाई ले आई। उसके बाद में जो है उन्होंने 21 जो है बटोरा हम जो है सोहगैली बटोरा, सुहागन के बटोरा अपने घर पे बुला के ले आई। 7 ढेलकी गौर सुपारी सब का इंतजाम किया। फिर वही जो है उनकी मम्मी जो थी वो जो है 7 बहनें मिल के उसको किया। तो उसके बाद में जो किया प्रसाद खाया करने के बाद में, और खूब जो है प्रसाद खाया तो दिन दूना जब वही उपला बटोर बटोर के लाती, और वही उपला जो है बटोर बटोर करती, वही उपला बटोर बटोर के लाती। एक एक, एक था एक उनका 7 कमरे थे, उसी कमरे में भर देती। तो वहाँ पे क्या कहते हैं अवसान माई बैठी थी रास्ते में, जहाँ उपला बटोरने जाती तो अवसान माई बुढ़िया का रूप धर के बैठी थी। तो बोली बेटी ये उपला ले जाना तो इसको ढक के ले जाओ, ये उपला ले जाना तो 7 कमरे बनवाया है ना आपके पिताजी ने, उसी कमरे में जो है तुम इसको रखना ढक ढुक के एकदम, इसको खोलना नहीं, जब नहा धो लेना सुबह तब खोलना इसको। अवसान माई बताई बुढ़िया के रूप में बैठी थी रास्ते में, बोली कि 7 कमरा खूब उपला से भर लो, बिन बिन के खूब उपला बिनो 1-2 महीना। उसके बाद में जब 7 कमरा भर जाए तो खूब अच्छी तरह से ढक देना, और ढकने के बाद में इसको कहीं दिखे न जरा से भी। फिर उसके बाद में अवसान मैया का हाथ जोड़ के और जो है उनका नाम लेके वो सो जाना 7 जने। वीरवार के दिन इसको खोलना, वीरवार के दिन इसे अवसान मैया के नाम लेके इसे खोलना उपले को। जब भैया जो है देखा खोला तो इतना सोना चांदी उपला, सोना चांदी में बदल गया, हीरे जवाहरात में बदल गया, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब जो है बदल गया। उनके इतना धन हो गया उसी उपला से, उपला भरा था 7 कमरे में, 7 कमरे में सोना चांदी उमड़ गया, चम 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 कुछ चमकने लग गया। और फिर उसी को बेच के हाथी घोड़ा जो है नौकर चाकर सारे आए। फिर उसके बाद में उनके पूरा घर भरा भरा हो गया, पूरी कोठी ठीक कराई जो खड़ब कबाड़ा जैसे कुल बन गया था। और फिर अपनी मम्मी को अच्छा तरह से नहला धुला के अच्छे कपड़े दिलाए, 7 बहनें सजी, 7 बहनों की शादी हुई। फिर अवसान मैया आई आशीर्वाद दी, फिर उनकी शादी के बाद में उनकी सोहगैली बैठी, अवसान मैया आई आशीर्वाद दे के गई। फिर उनके इतना धन कि कुछ कहने का नहीं, अपार हो गया धन अवसान मैया का। सब जो है 7 बहनें की शादी हुई, अपने अपने घर गईं, और फिर उनकी मम्मी बची, नौकर चाकर बचे, एक बेटी बची। उसके बाद में सब जने रहने लग गए। उनका भैया जो है उनका जो है राजपाट पाठ लौट गया, सब कुछ हो गया। अवसान मैया की जय, अवसान मैया की कहानी है बहना, सब लोग सुनना अच्छी तरह से, ठीक है। अवसान मैया के गोर लगना, कभी भी कुछ अटका रहेगा तो करना तो जो है अवसान मैया का नाम लेके सोहगैली बिठाना, चना मंगवा लेना, मिठाई मंगवा लेना, 7 सोहगैली के जुगाड़ हो तो 7 सोहगैली बुला लेना, ज़्यादा का जुगाड़ हो तो ज़्यादा 21 औरतों को बुला लेना, दोहरी करना तो करके सब कुछ करना, मन्नत जरूर पूरा होगी आप लोगों का। जिसको भी व्रत करना नहीं उसी में से 2 चना उठा के रख लो, किसी को मन्नत करना नहीं तो उसको करना ही पड़ता है, फिर वो अवसान माई का कथा सुनना ही पड़ता है। उसे अपनी ऊपरी में तो दुरदुरिया बोलते हैं और कथा भी बोलते हैं, ऐसे चारों तरफ की बात है, कहीं कुछ कहते हैं कहीं कुछ कहते हैं, और माता तो एक ही हैं लेकिन भाई जो है क्या कहते हैं। ये एक कहानी और है चट माई की, किसी दिन सुनाऊंगी जो है। ऐसे ऐसे भैया सब उनके भरा जरा हो गया, सब अच्छा तरह से सब उनका राजपाट चलने लग गया। और जो है अवसान मैया अपने घर गई, अवसान मैया को भेज दिया, बूढ़ी के रूप में आई थी। उसके बाद में उनका सब राजपाट बन गया, सारा सब रहने लग गया आज़ादी से, उनका राजपाट लौट गया। जय अवसान मैया की है।